हाय नमस्कार सत श्री अकाल और आज आप सभी को इस चैनल इंडिया फास्ट में स्वागत है। तो आज इस एपिसोड में कुछ हम स्पेशल बात करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि यूपीएससी का रिजल्ट कल आया है, तो कुछ बोलेंगे कि भाई हर साल आता है, हर साल टॉपर्स बनते हैं। रुक जाओ, रुको जरा, स्पेशल ये है कि यहाँ टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। यहाँ इस बार यूपीएससी के टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसमें खास क्या है, लड़कियां तो सारे फील्ड में आगे जा रहे हैं। तो भाई जिस देश में आपके भ्रूण हत्या के ऊपर कानून बनाना पड़ता हो और प्रधानमंत्री को ये स्लोगन देना पड़ता हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन्स देना पड़ता है, उस देश में अगर टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं तो रियली ये खबर है। गॉट इट? तो यहां जैसे आपका जो 5 टॉप 5 है, अगर मैं उसका नाम लूं तो पहला नंबर पे है श्रुति शर्मा जो बिजनौर के हैं, और नेक्स्ट नंबर पे है अंकिता अग्रवाल, और तीसरे नंबर पे है जैमिनी सिंगला। तो ये 3 नंबर है, और चौथे नंबर पे ऐश्वर्या वर्मा, और तो 5वें नंबर पे है उत्कर्ष द्विवेदी। तो ये 5 टॉप 5 है। आप देख सकते हैं टॉप 4 जो है वो लड़कियां हैं। अभी हम बात करते हैं, अगर हम टॉपर के हिसाब से बात करें तो टॉप 10 में 5 लड़कियां हैं, और टॉप 20 में 10 लड़कियां हैं, टॉप 50 में 19 लड़कियां हैं, और टॉप 100 में 38 लड़कियां हैं। तो रियली ये खास बात है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका लिस्ट है और इतने लड़कियों का सक्सेसफुल है, तो इस वीडियो में आगे बने रहिएगा, हम आपको एक इंटरव्यू दिखाएंगे जो टॉपर है श्रुति शर्मा, इनका एक इंटरव्यू हम दिखाएंगे। श्रुति शर्मा, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके सक्सेस के लिए। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस सक्सेस की जो क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? आई थिंक मैं काफ़ी लकी रही हूँ कि हमेशा से मुझे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है, चाहे वो पेरेंट्स हो। पेरेंट्स शुरू से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बोथ माय मदर एंड फादर, एंड कभी प्रेशर नहीं था कि ये करना है वो करना है। फ्रेंड्स अगेन, आई हैव बीन वेरी लकी शुरू से ही, स्कूल से कॉलेज और अभी जो रिसेंट प्रेपरेशन में भी मिले, दे वर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट मेरे लिए। तो ये सपोर्ट सिस्टम मेरा हमेशा स्ट्रांग रहा है, जिस वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाई। ओके, मेरा दूसरा सवाल, आप अपने एकेडमिक के बारे में बताइए, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया है उसके बारे में आप बताइए। पढ़ाई मेरी दिल्ली में ही हुई है, तो सरदार पटेल विद्यालय कैम्ब्रिज स्कूल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 5th तक थी मैं, फिर सरदार पटेल विद्यालय में थी 12th तक। तो उसमें अच्छा ही था ग्रेजुएशन, मतलब 11th 12th में मैंने साइंसेज ही ली थी, सोशल साइंसेज, उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर हिस्ट्री ली थी ग्रेजुएशन में, और यही फिर मैंने ऑप्शनल भी लिया था। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है स्टूडेंट्स के लिए, आप रोज कितना घंटा पढ़ाई करते थे? आई थिंक आवर्स ऑफ प्रिपरेशन, तो जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, कभी मैंने ऐसे काउंट नहीं किया कि इतने घंटे उतने घंटे। मेंस वगैरह के पहले तो पूरा लगे ही रहते थे, मतलब कि बस खाने के लिए उठे, उसके लिए उठे, तो वो वाला तो लगातार डिपेंड करता है कि कितना आप लेवल पर पहुँचे हुए हो, क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। तो मेंस से पहले तो डेफिनेटली बहुत घंटे लगते थे, घंटे ऐसे कभी काउंट नहीं हुए। मैं कई बार ब्रेक लेती थी, तो कई दिन ब्रेक भी ले लेती थी, पर जब पढ़ती थी तो अच्छे से वो कवर कर पाती थी। चौथा सवाल, आपका ऑप्शनल पेपर क्या था? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, क्योंकि बैकग्राउंड भी हिस्ट्री था, और तो उसका सिलेबस बहुत वास्ट था, वो मेरे को इनफैक्ट चैलेंजिंग ये भी लगा था, उसमें मैप वर्क भी होता था और काफ़ी वास्ट रहता था, तो उसको और जीएस को बैलेंस करना मुश्किल होता था, क्योंकि चाहे सोशोलॉजी हो एंथ्रोपोलॉजी हो, थोड़े छोटे ऑप्शनल होते हैं। पर ऑल्दो हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड था, पर क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस रहता था, तो उसको और जीएस को बैलेंस करना 2 महीने के टाइम में, वो मेरे लिए एक चैलेंज। नेक्स्ट सवाल, आपका ये कितना नंबर अटेम्प्ट्स था, जो ये सक्सेस मिला आपको, ये आपका कितना नंबर अटेम्प्ट्स था? मेरे दूसरा अटेम्प्ट था ये, पहला अटेम्प्ट वो वाला था जब जिसमें मेरा मीडियम थोड़ा चेंज हो गया था, उसमें मैंने गलती से फॉर्म में वो हिंदी या जो कुछ भी टेक्निकल एरर, मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो कैसे हुआ था, पर कई बार गए थे यूपीएससी, वो फिर चेंज नहीं होता है, तो वो इशू था जिसकी वजह से मैंने ये दूसरा अटेम्प्ट दिया।
अच्छा ये बताइए, आपका जो फाइनल राउंड जो आपका इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट था, वो आपका कितना अच्छा गया था? जनरली जो टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू राउंड अच्छा जाता है, आपका कितना अच्छा गया था? इनफैक्ट बिल्कुल उल्टा था, क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इंटरव्यू से पहले, मेरे मॉक्स अच्छे जा रहे थे, मुझे लगा था इंटरव्यू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यू के बाद मैं ऑलमोस्ट रो दी थी अपने पेरेंट्स के सामने, और कि अच्छा नहीं गया, या मुझे ज़्यादा उम्मीदें थी, मुझे लगा था थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने नो 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 कई जगह बोला था, बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो आई एम हैप्पी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसा इंस्पिरेशनल कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत बोलते हैं, शायद दुष्यंत कुमार की है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आई थिंक तो वो पापा काफी बोलते हैं। तो वेरी गुड, थैंक यू। तो आपके सक्सेस के लिए फिर जाते जाते और एक बार आपको थम्स अप करते हैं और कंग्रेचुलेशन। तो आपने ये देखा श्रुति शर्मा जो कि टॉपर हैं 2021-22 का जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, तो उनका इंटरव्यू आपने सुना। जब यूपीएससी का रिजल्ट कल आया, मैं नुक्कड़ में गया तो एक लड़का खुशी से उछल रहा था, 22-23 साल का लड़का खुशी से उछल रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या यूपीएससी क्रैक कर लिया? बोला यूपीएससी क्या होता है, अरे मैंने तो ऑनलाइन लूडो गेम में 20 रुपया जीता है। तो भाई आजकल लड़की का हालत यही है, वो 20 रुपए में खुश है, तो यूपीएससी का खुशी उनसे तो संभाला नहीं जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, चलते हैं, सी यू अगेन, धन्यवाद। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।